फिर से स्वागत है आपका बिहार बोर्ड के ऑफिशियल चैनल में। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश 100 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन को जो आपके बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है। जिस प्रकार आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम टू सेम आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। तो गाइज, आप वीडियो को पूरी तरह से इंड तक वॉच कीजिए और देखिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, जिसको आप जो आपको 100% यानी हेल्पफुल होगा बोर्ड एग्जाम के लिए। तो गाइज, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। चले गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, दी वेयर बींग इंटरव्यूड फॉर द जॉब बाय हर। तो देखिए, आपको यहाँ इसमें चार ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाज इंटरव्यूइंग देम फॉर द जॉब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग कवर करते हैं। देखते हैं, द किंग गिव हिम रिवॉर्ड। ठीक है, तो इसमें आपको चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस आपको चूज करना है इसमें से। तो आपका दो का जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ही वॉज गिवेन अ रिवॉर्ड बाय द किंग। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। प्लीज बी क्वाइट, द बेबी डेज 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 चॉइस द करेक्ट टेंस फ्रॉम। ठीक है, इसमें से आपको चूज करना है करेक्ट टेंस को। ठीक है, तो देखिए, इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी का राइट आंसर हो जाएगा, इज स्लीपिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। व्हाट डज डज सी डू इन हर फ्री टाइम, चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, डॉग्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर कवर करते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आप। ही टॉल्ड मी दैट ही डज डज इल फॉर 6 डेज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 का आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेड बीन हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग कवर करते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। छठवां क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। ही वॉज टाइड ऑफ वॉकिंग ही सैट डाउन टू रेस्ट। ठीक है, तो चूज द करेक्ट आपके क्या है, कॉम्बिनेशन चूज करना है। तो आपको देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइड ऑफ वॉकिंग ही मतलब ही सेट डाउन टू रेस्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चले गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, देखिएगा। डेज डेज यू स्पीक इंग्लिश, चूज द करेक्ट एक्वर्जी वर्ब। ठीक है, तो आपका साथ का जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कैन हो जाएगा। ठीक है, कैन यू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग कवर करते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप ध्यान से, क्या कह रहा है आठ नंबर क्वेश्चन में। द प्रिंसिपल ऑर्डर मी नॉट टू कॉन्डक्ट एनी टेस्ट द नेक्स्ट डे। ठीक है, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच आपको चूज करना है। ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट था, आपको यहाँ डायरेक्ट चूज करना है। तो आपका जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। इज सीमा थॉट बाय यू चेंज इंटू करेक्ट एक्टिव वॉइस में आपको चेंज करना है। तो 9 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए डी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी बी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग कवर करते हैं। हम लोग जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टाइम लॉन्ग वीडियो बनेंगे, इसलिए हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करना है। तो क्या कह रहे हैं इसमें, टॉम हैज पेंटेड द डोर। ठीक है, तो आपको यहाँ इसका राइट जो आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द डोर हैज बीन पेंटेड बाय टॉम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। द प्रिंसिपल कीप द स्टाफ मेंबर्स वेटिंग, चूज द करेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस चूज करना है। तो 11 का आपका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए, यहाँ आपको देखने को मिल रहा है क्वेश्चन, द चिल्ड्रेन शुड बी लव्ड। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको क्या करना है, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस आपको चूज करना है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, यानी ए इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लव द चिल्ड्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर कवर करते हैं। क्या कह रहा है इसमें, आप देखिए ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। मर्सिडीज कार
मेड इन ग्रामीणी चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो मर्सिडीज कार्ड कार्स डेस डेस मेड इन ग्रामीणी चूज द करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो इसका आपका राइट जो आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, और हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। 14 में कीप क्वाइट वी आर डेस टू द रेडियो चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म में आपको चूज करना है। 14 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। द पेटेंट बिफोर द डॉक्टर एग चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। 15 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विल डाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। एथर यू आर मोहन डैश डैश डन इट चूज द करेक्ट एब्जुलेटिव वर्ब आपको चूज करना है। तो इसका आपका राइट क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, हैज लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। क्या है, डेज डेज फॉर्टन स्माइल अपॉन यू चूज द बेस्ट एग्जीक्यूटिव वर्ब आपको चूज करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 17 का, आपका 17 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। द प्राइस ऑफ मैंगोज डेज गॉन अप चूज द करेक्ट एग्जीक्यूटिव वर्ब आपको चूज करना है। तो 18 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, हैज खाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। He says, I shall help you choose the correct indirect narration. ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 का आपका विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। He says that he will help me. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। He says, I shall help you choose the correct indirect narration. ठीक है, तो 20 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। He tells me that he will help me. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। The girl said that she loved her mother. Choose the correct direct speech. तो 21 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, द गर्ल सेड आई लव माई मदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग कवर करते हैं। आई आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेम वाज चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, तो 22 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा, आई सेड व्हाट इज योर नेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। इट वाज डार्क डेस द क्या है यानी टनल। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 23 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। द मैन इज सिटिंग डेस टेबल। तो यहाँ डेस आर टेबल। ठीक है, तो चूज द करेक्ट प्रिपरेशन चूज करना है। तो आपका 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, यानी ए का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑन द टेबल। ठीक है, यानी ऑन आर टेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। दी कंडक्ट टू द मीटिंग डेस 11 PM चूज द करेक्ट ऑप्शन। 25 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 25 का ए हो जाएगा। ठीक है, टिल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डू नॉट लव डेस हिम। ठीक है, तो आपका इसका चूज द करेक्ट अब्रिविएशन क्या होगा, 26 का आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8 खाएगा। ठीक है, डू नॉट लव एट हिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा आप। 27 का ही इज यूरोपियन, ही इज डेस डेस यूरोपियन। तो इसका चूज द आपको क्या आंसर, करेक्ट आर्टिकल चूज करना है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूरोपियन का एक आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। मिस्टर सिन्हा इज MA। तो यहाँ एम का ए का उच्चारण, तो इसलिए आपका एन खाएगा, मिस्टर सिन्हा इज MA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग कवर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग यहाँ देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। What does this beautiful scenery it is? Choose the correct article. तो 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ हो जाएगा। ठीक है, ब्यूटिफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विल यू गो टू डेस स्टेशन टूडे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 का
30 का आपका राइट जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 5 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग फिर। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा हु हैज स्टोलन हिज पेन। ठीक है, 32 का, 32 का भी उसका 33 का आपका देखिएगा इसका राइट आंसर। 33 क्या, चूज द करेक्ट सेंटेंस आपको चूज करना है, इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। दिस इज माई यंगर सिस्टर, सी इज अ ग्रेट पेंटर। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या है, चूज द क्या करना है आपको, यानी चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस। तो इसका 34 का आपका राइट जो आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। He often dashes to the cinema because he loves movies. ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 35 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Would you mind dash the bill? प्लीज चूज द करेक्ट ऑप्शन। 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, पेइंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिएगा, हु इज 37 का देखते हैं, हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1950 टू 1948। ठीक है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एमजी गांधी, मैंने महात्मा गांधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो बर्मान कब हुआ। 32 का जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा, 1897। ठीक है, चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर देखते हैं। भारत इज माई होम इज राइटन बाय, तो भारत इज माई होम का जो इसका राइटर बाय जो है कौन है, नहीं, जो लेखक है कौन है, 39 का आपका, 39 का जो विल बी द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जाकिर हुसैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग फिर। सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ द टर्म कॉन्स्टिट्यूट नॉट इन द मल्टीप्लीकेशन बट इन द डेप्लीकेटेड एंड रिएक्शंस फॉर क्या वांट्स इज फ्रॉम, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, 40 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग फिर। क्या देखता है, सिगान नॉइज इज आर डेस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी 31 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जापानीज देखिएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ड्रोनोथेली एल सेज द अदर ऑफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 42 का, तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाउ फ्री इज द प्रेस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पियल्स एस बक इज नाउ फॉर हर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 43 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, नॉवेल्स। नेक्स्ट